आज मैं आपके लिए माला में किस तरह हर मनके के बाद गांठ लगाई जाए इसके बारे में एक विशेष जानकारी लेकर आया हूँ। इस जानकारी के उपयोग से आप अपने लिए एक कुटीर उद्योग या गृह उद्योग का प्रारंभ कर सकते हैं। माला उद्योग भारत में बहुत बड़े पैमाने में प्रयोग किया जा रहा है। इसमें मूल समस्या प्रत्येक मनके के बाद एक गांठ लगाने की आती है। इस गांठ लगाने की समस्या को आज मैं हल करने के लिए इस वीडियो को आपके समक्ष लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक माला है। इसमें जब हम इस तरह से मोतियों को प्रो लेंगे, लेकिन इसमें एक गांठ लगाने की विशेष समस्या आती है। अब आप देखेंगे कि इस पर किस तरह से गांठ लगाई जाती है। यह एक विशेष ट्रिक है। आप देख सकते हैं हमने माला में मोती को प्रो लिया, इसके बाद इसको इस तरह से टर्न करते हैं या घुमाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको इस तरह से हम निकाल लेते हैं। जब यह पूरी तरह से इस टर्न के माध्यम से निकल आएगी तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में इसको यह इस तरह से निकल आएगी। अब हमें करना क्या है कि जैसे ही इस तरह से हमने टर्न करा दिया तो हमें अपना मोती मोती को आगे की साइड में मूव कराना है। आप देख सकते हैं जैसे ही यह मोती को हम आगे बढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमें ये मोती को खींचते जाना है। यह ऑटोमेटिक एक मनके के बाद इसमें गांठ लग जाएगी। अब आप देखेंगे, एक बार फिर मैं इसको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं हमने यह माला को इस तरह से मोड़ लिया, मोड़ कर इस राउंड से इसको निकाल लेते हैं। अब जैसे ही यह मोड़ तैयार हुआ, इसमें हम क्या करेंगे कि ये पीछे से प्रोया हुआ मोती को हम धीरे से आगे बढ़ाते जाएंगे और इस डोरे को खींचते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि हर मनके के बाद एक गांठ लग जाती है। इस तरह से आप अपना एक कुटीर उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं और माला उद्योग में अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं। आप एक बार फिर देखिए, इस तरह से हमने इस माला को गांठ में से निकाला। अब यह जो फंदा बन गया, इसमें इस मनके को आगे की ओर बढ़ा देते हैं। जैसे ही यह मनका आगे बढ़ेगा और यह गांठ इस मनके के बाद लग जाएगी। आप देख सकते हैं ये इसमें लग जाएगी इस तरह से, और इस तरह हमारी यह माला तैयार हो जाएगी। मैं अपने चैनल 111 टेक्निकल एजुकेशन पर इस तरह के अनेक वीडियो लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल 111 टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए।